जैसे महाराज जब कभी बड़ा युद्ध होता है तो युद्ध के कुछ कायदे होते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा कायदा यह है युद्ध अगर हमको जीतना है तो कोई बड़ा कोई छोटा जितने बड़े छोटे फूल पहचान के चिन्ह लगते हैं वो सब निकाल देते हैं कि सब हम सिपाही है युद्ध के लिए। डंका बजा, जोरदार ताली बजाओ। आज से विधिवत नामिनेशन फॉर्म भरने के बाद आज नगाड़ा बजाए और ये नगाड़ा बजाए जीत के अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। जोरदार तालियां बजाओ। शिवपुरी की धरती से गुना से लगा करके शिवपुरी तक जिस प्रकार से वातावरण दिखाई दे रहा है और क्या उत्तर क्या दक्षिण क्या पूर्व क्या पश्चिम दिशाएं चारों तरफ से हर तरफ से शुभ समाचार ला रही है। मोदी 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 चारों तरफ एक ही आवाज आ रही है। जोरदार ताली बजाओ मंच पर बैठे शुभंकर अध्यक्ष माननीय विधि शर्मा जी के लिए जिन्होंने विस्तार से अपनी बात कह दी और हमारे लिए बीमारू राज्य से आज की दिशा में मध्यप्रदेश को बहुत उत्कृष्ट श्रेणी में लाने वाले यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री बड़े भैया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के लिए जोरदार तालियां बजाओ। और जिनका मैं नाम लेने वाला हूं ग्वालियर शिवपुरी की धरती ये वो धरती थी जिस धरती से हमको मालूम है 1967 में भी कांग्रेस के नादान लोगों ने टकराने का दुस्साहस किया था। कांग्रेस के लोग भूल गए यह ग्वालियर वीरों की धरती महावीरों की धरती राजमाता की धरती थी। भूले भटके नादानी में टकरा गए तो उनको चारों पांव चित करके संसद में सरकार बनवा दी। ये वो धरती जोरदार ताली बजाओ अपने खुद के लिए अतीत के इतिहास के लिए। पहली बार भाजपा के पूर्ववर्ती नामधारी पार्टी जनसंघ के साथ संबित सरकार के माध्यम से पूरे देश में डंका बजाया था इस मध्य प्रदेश में जब हम राजमाता सिंधिया जी ने डंका बजाया और आज का तो ये चुनाव थोड़े दिन पहले का सेमीफाइनल था महाराज जब आपको हमने राज्यसभा के माध्यम से पहुंचाया था। जिनने उतरो उतरो कहा था आधा बदला तो आपका तब ले लिया जब आपने सरकार गिरवाई और पूरा बदला आप लेंगे जब घर भेज देंगे छिंदवाड़ा की धरती। जीवन में कभी उठ करके राजनीति का मुंह नहीं करेंगे जो आपके मुंह लगे क्योंकि आप भाजपा के इस दल में आए या पहले के कीचड़ में खिलता कमल आपके साथ आता। जोरदार ताली हमारे अपने सिंधिया जी के। इस माहौल में चारों तरफ का वातावरण अपने आप में फैला हुआ करंट ये एहसास करा रहा है कि आप यहाँ आने वाले समय में चुनाव के परिणाम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चुनाव के परिणाम का रिजल्ट को फॉर्म भरने के साथ ही आ गया। जोरदार ताली अपने आप के लिए। पूरे मंच का एक बार अभिनंदन करो, समय की कमी है, पूरे मंच का अभिनंदन करो। हमारे जिला अध्यक्ष से लेकर सभी वरिष्ठ मंत्री पूर्व मंत्री विधायक सारे के सारे नेता जन क्योंकि समय की कमी है माननीय सिंधिया जी बता चुके हैं क्या मुझे भी कुंडलपुर जाना है। कुंडलपुर से छिंदवाड़ा माननीय हमारे गृहमंत्री जी के साथ कार्यक्रम में ये भाजपा और भाजपा की सिपाही है और क्या महाराज का जलवा देखा। एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे सिंधिया जी के। हमारे बीच में चुनाव के दरमियान इस बदलते दौर में और यशस्वी प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल के साथ जिस प्रकार से मंत्रिमंडल के साथी के रूप में माननीय सिंधिया जी ने काम किया है, हमने परसों ही संकल्प पत्र का विमोचन करवाया और कल मध्य प्रदेश में हमने सबको लोकार्पित किया प्रदेश की जनता को। लेकिन एक एक विभाग में जितना अच्छा काम हुआ वाकई लगा के आजादी के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के साथियों ने काम किया और उसमें सबसे अच्छा काम किसी ने किया है तो श्रीमान सिंधिया जी ने किया। हवाई यातायात के लिए एकदम परिदृश्य बदला है और आप बदलते परिदृश्य में आप तीसरे दौर की माननीय मोदी जी की सरकार में पुनः उनके उस मंत्रिमंडल के सदस्य के नाते से जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे ज्यादा लंबा नहीं बोलना है लेकिन हम सब संकल्प करें दुश्मन चालाक है बहुत चालाकियां करता है हमारे बीच में से इस माहौल के अंदर
आज हमको आंखें गड़ा के देखने की जरूरत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में गौरवान्वित काम करने का अपन कर रहे हैं, तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार तालियां बजाओ। उनके कारण से पूरे देश में लोकतंत्र के माध्यम से इस रूप में हमें परिवर्तन ले रहा है। पहले समाजों के अंदर ये जाति वो जाति, ये माहौल वो माहौल, वोट को खरीदने के पता नहीं कितने प्रकार के आरोप लगते थे। और सच कहा कल प्रधानमंत्री जी ने कि पहले ईडी सीबीआई सब मिला करके एक स्कूल के बस्ते में पैसे भर लो, केवल इतने से पैसे बटोर के लाए, गलत लोगों पे कार्रवाई नहीं होती। आज के समय में जो कार्रवाई हो रही है, बताओ कोई कल्पना कर सकता, 5000 करोड़ से ज्यादा को पकड़ लिए बेईमानों के पैसे। ये मोदी जी का समय है, जिनने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लोकतंत्र में गरीब आदमी बड़ी ईमानदारी से मेहनत से लोकतंत्र में भाग लेता है, अपने वोट से सरकार बनाता है, लेकिन सरकार बनाने के साथ सरकार में बनने वालों का हाल अगर ऐसा रहता है तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, एक गरीब परिवार का व्यक्ति गुजरात से चल करके इस लोकतंत्र के मंदिर को न केवल गौरवान्वित करता है, बल्कि दुनिया में लोकतंत्र का मान बढ़ाता है। जोरदार तालियां अपने माननीय मोदी जी के लिए। और हमारा सौभाग्य है, बदलते दौर में हम और आप मिलकर के एक नया इतिहास बनाएंगे। आप और हम सब तैयार हैं अगले चुनाव के इस वोटिंग के लिए। खास करके ये दौर आज 7 मई का इतिहास जब बनेगा, अपनी उंगलियों से बटन के ऊपर जब कमल के फूल का हिसाब लगेगा तो मुझे लगता है मशीन फट जाएगी, इतने कमल के फूल निकलेंगे, आनंद आ जाए। हमारे अपने काम के बलबूते पर, नरेंद्र मोदी जी के बलबूते पर कमल के फूल के साथ बेहतरीन हवाएं निश्चित विजय की तरफ ले जा रही है। बोला आप भरोसा दिलाओगे हम सब मिलके आखिरी चुनाव, इस चुनाव के आखिरी दिन तक शांति से नहीं बैठेंगे। वो सब तैयार है, यहाँ से भी आवाज कमा रहे, सब तैयार है। सिंधिया जी की जीत ऐतिहासिक होगी। बोला भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय बीडी जी और हम आपसे यही परमिशन लेते भाषण पर निकलना, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने नेता माननीय शिवराज सिंह जी यहाँ है, माननीय सिंधिया जी विस्तार से बात रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोई न जाए भैया, कोई भी कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अभी